जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों में शरद नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शक्तिपीठों में 17 से 25 अक्टूबर तक शरद नवरात्रों का आयोजन किया जाएगा। जिला कांगड़ा में श्री चमुंडा नंदीकेश्वर धाम, श्री ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा और जिला ज्वालामुखी मंदिर शक्तिपीठ हैं। कोविड-19 के चलते नवरात्रों के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से जारी SOP के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने का प्रावधान होगा। मंदिर खुलने के बाद से आस्था से वशीभूत होकर श्रद्धालुओं का मंदिरों में देवी दर्शनों के लिए आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार श्री चमुंडा मंदिर की बात की जाए तो आम दिनों से 400 से 500 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जबकि वीकेंड पर श्रद्धालुओं की आमद 1200 से 1500 तक पहुँच रही है। ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि निर्धारित SOP को अपनाते हुए नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की आमद में निरंतर तौर पर इजाफा होगा। श्री चमुंडा नंदीकेश्वर धाम के सहायक आयुक्त एवं SDM धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू के ने कहा कि सरकार की ओर से SOP जारी किए गए हैं। कोविड-19 के चलते दिशा निर्देशों के तहत नवरात्रों का आयोजन होगा। जो भी श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, श्रद्धालुओं ने मास्क पहनना तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही श्रद्धालु दर्शन को जा सकते हैं। लंगर नहीं लगाए जाएंगे जिससे कि संक्रमण फैलने का भय है। मंदिर गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं होगी। SOP के तहत ग्रुप में बैठकर अनुष्ठान करने को भी मना किया गया है, लेकिन काफ़ी समय बाद मंदिर खुले हैं और नवरात्रि होंगे। ऐसे में सूक्ष्म तरीके से 2 या 3 पुजारी हवन करेंगे। जैसा कि सरकार की तरफ से SOP जारी किया गया है, इस बार भी नवरात्रे जो है पूरे कोविड के जो दिशा निर्देश है उनके तहत ही उनको मनाया जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहा है उसका पहले टेम्परेचर नोट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि मास्क उसने पहन रखा हो, उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो मंदिर में दर्शनार्थ के लिए जा सकते हैं। और इस बार के नवरात्रों में जैसे कि पहले हमारे यहाँ लंगर लगते थे बाहर, लंगर नहीं लगेंगे कोई भी, ताकि किसी भी तरह से लोग इकट्ठे बैठ के इस बीमारी के बढ़ाव में ऊना कर सकें, संक्रमण को बढ़ावा न दे सकें, इसलिए कोई लंगर नहीं होगा। मंदिर में भी अंदर गर्भगृह और उसमें जाने की कोई इजाज़त नहीं है। बाहर से दर्शन करेंगे जहाँ से कि माता रानी का पूरा साफ नज़र आता है उनका मंदिर, और प्रसाद भी जो है किसी भी तरह का जो भोग लगाता है और किसी भी तरह का हलवा जो गीला प्रसाद बिल्कुल नहीं होगा, सूखा लोग लेके चढ़ा के खुद अपने साथ ही घर ले जा सकते हैं। इस तरह से हमारा प्लान है। SOP के तहत जो है मना किया गया है कि किसी भी तरह के ग्रुप में बैठ के किसी भी अनुष्ठान के करने पे, लेकिन क्योंकि नवरात्रे हैं और काफ़ी समय बाद मंदिर खुले हैं तो सूक्ष्म तरीके से हम अंदर ही हमारे 1 या 2 पुजारी, मैक्सिमम 3 पुजारी जो है वो हवन को करेंगे। वहीं ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा के वरिष्ठ पुजारी राम प्रसाद शर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा और रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मंदिर परिक्रमा भी खोल दी जाएगी। नारियल मंदिर के गेट पर ही रखवाया जाएगा और प्रसाद माँ के समक्ष रखकर उसे श्रद्धालु घर ले जा सकेंगे। नवरात्रों के दौरान हवन यज्ञ और सतचंडी यज्ञ होगा। देखिए 17 अक्टूबर से लेकर के 10 दिन के लिए चलेंगे, 27 के समझ लीजिए, और इन नवरात्रों के बीच में हमने 5 सुबह मंदिर खोलेंगे और रात को 9 बजे तक, ये जब तक यात्री जलता रहेगा मंदिर खुले रहेंगे। ये टाइमिंग्स हैं हमारे मंदिर खोलने के और बंद होने के समय। और इसके साथ तैयारियों का यही है कि जितने भी यात्रीगण आएंगे श्रद्धालु, वो इसी प्रकार से लाइन से यहाँ लग करके और ये यहाँ से खड़े होकर माई जी के दर्शन करेंगे और यहीं से वो लौट जाएंगे, और परिक्रमा भी खोल दी जाएगी कुछ दिनों में, तो परिक्रमा करके वो वापस अपने जा सकता है। प्रसाद और नारियल का जहाँ तक सवाल है, वो नारियल वहाँ गेट पे रख दिया जाएगा और जो प्रसाद है वो यहाँ इसी जगह पे लोग चढ़ाएंगे माई के सामने और प्रसाद को वापस अपने घर ले जाएंगे। उसको किसी प्रकार से खोलने की इजाज़त नहीं होगी। ये प्रसाद और यात्री की बात है।